संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित वन निर्मित फिल्म पद्मावती में क्षेत्रियों के इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई है। एक त्रणी को सार्वजनिक तौर पर नृत्य करते दिखाया गया है, जिसके कारण संपूर्ण भारत के क्षत्रिय समाज में आक्रोश व्याप्त है। इनकी मांग है कि फिल्म पद्मावती को प्रदर्शित नहीं किया जाए। यदि यह फिल्म प्रदर्शित की गई, तो समस्त क्षत्रिय समाज देशव्यापी आंदोलन करेगा। अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज के पदाधिकारीगण योगेंद्र सिंह राणा, शरद चौहान, ठाकुर धर्मेंद्र सिंह एडवोकेट, ठाकुर जितेंद्र सिंह, ठाकुर नितिन चौहान, रोहित ठाकुर, चैतन्य कुमार आदि सभा में उपस्थित रहे। पद्मावती पर बैन लगाओ, बैन लगाओ, बैन लगाओ, पद्मावती को बैन करो, बैन करो, बैन करो। बे, आपका नाम? मेरा नाम ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा है। मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। वे आज आपने क्या कार्यक्रम किया है? आज हम यहाँ पर सभी क्षत्रिय बंधु और हिंदू महासभा के लोग फिल्म पद्मावती, जो संजय लीला भंसाली निर्देशन में बनाई गई है, उसके विरोध प्रदर्शन में हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारी अपील है कि इतिहास के साथ में कोई छेड़खानी नहीं की जाए। और मैं आपको बता दूं कि जो प्रेम कहानियाँ और भी हैं, इतिहास को खंगाली है, उन पर बनाइए आप। मैं बताता हूँ आपको प्रेम कहानी क्या है। प्रेम कहानी ये है कि अलाउद्दीन खिलजी की बेटी थी फिरोजा, जिसका नाम था, वो कुंवर ब्रह्मदेव से प्रेम करती थी। और औरंगजेब की बेटी थी, वो कुंवर छत्रसाल से प्रेम करती थी। औरंगजेब की पोती थी सफियतनिसा, जिसका नाम था, वो कुंवर अजीत सिंह से प्रेम करती थी। नूर खुरासन एक यवन कन्या थी, वो सम्राट बिंदुसार मौर्य से प्रेम करती थी। और खुद औरंगजेब अपनी बहन का रिश्ता लेकर छत्रपति शिवाजी के पास गया था। इस बात का प्रमाण है इतिहास में। इन पर फिल्म बनाइए। छत्राणियों के जो स्वर्णिम इतिहास है, उससे छेड़खानी बिल्कुल नहीं सही जाएगी। ये हमने अपने लहू से, अपने खून से लिखा है। हमारे पूर्वजों का इतिहास है। हम बिल्कुल कोई छेड़खानी नहीं होने देंगे, खून बहा देंगे हम। और जिस सिनेमा घर में लगेगी, आग लगा दी जाएगी। मैं यहाँ से चेतावनी देता हूँ। छत्र समाज जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से हमारी यही अपील है कि इस फिल्म पर पूर्णतया बैन लगाया जाए और सेंसर बोर्ड ये सुनिश्चित करे कि पहले विशेष सेंसर बोर्ड के पास जाना चाहिए। सेंसर बोर्ड सारी एक ऐसी समिति गठित करे जिस पर किसी के इतिहास से, किसी धर्म के साथ में, किसी मजहब के साथ में कोई छेड़खानी नहीं की जाए। और उसके बाद में जब सर्वसहमति से फिल्म बनाई जाए, ये नहीं कि फिल्म बना दी और उसके बाद में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और उसे रिलीज करने के लिए मतलब जो है कोर्ट में जाया जा रहा है या कानून का सहारा लिया जा रहा है। किसी भी धर्म के साथ में, हम कह रहे हैं हमारे नहीं, किसी भी धर्म के साथ में, उसके मजहब के साथ में कोई छेड़खानी नहीं की जाए, किसी के इतिहास के साथ में कोई छेड़खानी नहीं की जाए।